हेलो जी। तो आज हम बनाएंगे एप्पल की स्मूदी। बच्चों के लिए ये बहुत ही खास है, तो आप बच्चों को ये ब्रेकफास्ट में जरूर खिलाइए, या फिर हल्की बुल्की भूख में भी आप उसको खिला सकते हैं। इसको आप लोग भी खा सकते हो, कोई मनाही नहीं है कि बच्चे ही खाएंगे, आप लोग भी खा सकते हो। तो चलिए, क्योंकि बच्चे आमतौर पे फ्रूट्स खाना पसंद नहीं करते हैं, इसीलिए ये मैंने बच्चों के लिए बोला है। तो यहाँ पे मैंने ले लिया एप्पल, उसको मैंने ग्राइंड कर लिया, हल्का सा दूध डाला, हल्का सा पानी डाला है, दोनों चीज हमने डाल के उसको अच्छे से ग्राइंड कर लिया। उसके बाद हम लेंगे जिया सीड। जिया सीड हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद रहती है, लीवर में होने वाली अनेक प्रकार की बीमारियों को ये दूर करती है, और इससे हमें काफी बेनिफिट मिलते हैं जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही जरूरी है। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पे ग्राइंड कर लिया है, पर मैंने थोड़ा सा दरदरा ही पीसा है, इसको बिल्कुल बारीक नहीं किया है, थोड़ा दरदरा ही पीसा है, जो कि खाने में और भी अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे मैं लूंगी जिया सीड, जो मैंने आधे घंटे के लिए भिगो के रख दी थी। तो भिगोने आप इसको ऐसे भी भिगो के रख सकते हो, रात भर फ्रिज में रख दीजिए और सुबह इसको खाली पेट खाइए। इससे आपको पेट को काफी आराम मिलेगा, जिनको जलन वगैरह रहती है उनको ठीक हो जाएगी। तो चलिए, अब हम अपनी स्मूदी तैयार कर लेते हैं। ये बहुत ही सिंपल है और बच्चों को बहुत पसंद आती है। बच्चे इसी बहाने फ्रूट भी खाएंगे और ड्राई फ्रूट भी खाएंगे। तो इसमें मैंने कुछ ड्राई फ्रूट ऐड किए हैं, आपको जो भी ड्राई फ्रूट पसंद हो, जो आपके घर में अवेलेबल हो, आप उनको ले सकते हो। तो यहाँ पे मैंने कुछ ड्राई फ्रूट इस्तेमाल किए हैं, जो आप देख सकते हो। यहाँ पे मैंने लाल किशमिश ली है, सफेद किशमिश ली है, थोड़े से बीन्स लिए हैं। सब मैंने इसमें, जो भी मेरे घर में अवेलेबल था, वो सब मैंने इसमें ऐड कर दिया। और ये मैं अपने बेटे के लिए बना रही हूँ, उसको ये बहुत पसंद आता है। और थोड़ी सी इसमें हम बादाम, किशमिश, नारियल, आपके घर में जो भी हो आप इसमें सब डाल सकते हो। ये बहुत ही टेस्टी बनती है। बस आप इसको थोड़ा सा ठंडा होने के लिए रख दीजिए फ्रीजर में, ये और भी टेस्ट लगेगा। बिल्कुल ये बच्चों को आइसक्रीम जैसा मजा देता है। तो आप भी ट्राई कीजिए और अपने बच्चों को खुश कीजिए, और साथ साथ उनको फ्रूट भी खिलाइए। तो देखिए, हो गई हमारी स्मूदी।